अब महेंद्र को चश्मे नहीं है और वो 50-55 साल के होंगे, ये तो कोई फोटो उल्टी रख के भी बता सकता है भाई। मैं बताता हूँ, आप शांत तो रहिए। अरे क्या शांत रहिए, कब से बैठे बैठे खाखरे घपा घप खाए ही जा रहे हैं आप। अच्छा चलो ये बताइए, खाखरे कौन सी कंपनी के हैं जी? ये मैं कैसे अरे आपको तो कुछ नहीं आता। अरे महेंद्र गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स के मालिक हैं, ये मैं खुद आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद भी आप अनुमान नहीं लगा सके कि ये खाखरे हमारे ही दुकान के होंगे? चक्रमलाल, आपसे अच्छी भविष्यवाणी तो मैं कर सकती हूँ आपकी, आप आपके घर पे जाने के बाद खाना नहीं खाएंगे, चलो। क्योंकि आप इधर 4 काजू कतरी गटक गए ना 2 ग्लास मसाला मिल्क के साथ, और उसके बाद करके ऐसा डकार भी लिया था आपने। चलो दूसरी भविष्यवाणी, आप कुवारे हैं। एक मिनट, अब ये आप कैसे बता सकती हैं? आपके जैसे नमूने के साथ शादी करेगा कौन? देखिए अब आप मेरा अपमान कर रही है। अरे वाह, ये पहली भविष्यवाणी आपने एकदम सही बताई। अरे ये कहाँ फंस गया मैं, अब भविष्यवाणी करूं कि नहीं करूं? अरे अभिषेक, हाँ बारा, तू क्या बता रहा था सुप्रिया के बारे में? वो अमूल्य है ना, बहुत उत्पात मचाया जब उसे पता चला ना कि ऐसे था किधर तू? अन्ना कल सुबह बताओ तो चलेगा, क्योंकि मैं फिर से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। झूठ? अन्ना आ गई बराबर, सुबह नाश्ते में चाय और पोहे। बाय बाय। बराबर अन्ना मैं। अरे अभी रुक, वो अभी 4 बार पलटेगी, हाँ तू गिनना। लेकिन अन्ना कल प्राजक्ता और उसके पापा आएंगे ना खाना खाने के लिए, तो कौन सी सब्जी बनाऊं? पापड़ी बना लूं? पापड़ी बना, पापड़ी। बराबर। लेकिन अन्ना हाँ बड़ा, पापड़ी का तो सीजन नहीं है ना, तो पापड़ी मिलेगी नहीं। तो क्या मिलेगा? गोभी या टिंडी? गोभी की बना, गोभी की। बराबर। अन्ना गोभी की सब्जी बहुत नॉर्मल लगेगी, तो मटर पनीर बनाओ। लेकिन ये फाइनल, अभी एकदम फाइनल, अभी इसमें तू कुछ भी बदलेगी नहीं, है कि नहीं बोल? हाँ बराबर। हाँ अभी लेकिन अन्ना चौथी बात का बाकी था। हाँ हाँ बड़ा बोल। दाल कौन सी बनाऊं? दाल, हम लोग तो मराठी लोग है ना, तो तू इजिप्ट की दाल बना। बराबर। अरे ये तो निकल पड़ी, अरे कोई वीजा पासपोर्ट दो इसको इजिप्ट के लिए। वहिनी मौज। अगर भाई 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 भाई। अरे अभी क्या हो गया? वो मैं भूल गई थी कि मुझे मौज चाहिए। हाँ इसकी मौज तो आती जाती रहती है ना। हाँ निर्मिति। हाँ ना। इसे रसोई घर में लेके जा। हाँ सला। बरबर। आगे भाई। हाँ अभी देख बाड़ा, वो मैंने तुझे बताया था ना कल अनिमेश बापट आने वाले हैं, उनकी बेटी प्राजक्ता को लेकर। अन्ना मैं उसी बात को लेकर असमंजस में हूँ, मेरी जिंदगी का सवाल है अन्ना, अब मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए ना प्लीज। हाँ बरोबर है, तो तू सुबह तक सोच। हाँ लेकिन सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा प्लीज। ठीक है जा 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 जाके सो जा। मम्मी अरे वाह ये देखो, ये आ गई मेरी बेटी गायत्री। बेटा ये वो प्रसिद्ध ज्योतिष सहस्त्र बुद्धू। चलिए अभी इसका चेहरा देखिए और जरा कुछ बताइए,
इसकी सास के बारे में बताइए। चलिए एक काम कीजिए, इसकी सास का नाम बताइए। अभी एक साल पहले ही शादी हुई है मेरी बेटी गायत्री की, पहली बार मायके आई है। बहुत दूर रहते हैं ना वो लोग इसके लिए। और इसके पति के बारे में बताइए। बंकिम नाम है इसके पति का, बंकिम के बारे में बताइए। चलिए अवश्य अवश्य। इनके पति का कोई फोटो वोटो होगा? लाती हूँ और भी लाती हूँ, तब तक आप इसका चेहरा देख के बताइए जरा। हाँ अभी आती हूँ। बंकिम, बंकिम के साथ तुम्हारा जीवन बहुत खुश होगा और विदेश में रहते हुए तुम्हारे ससुराल वालों के साथ। वाह वेरी गुड, क्या बताया चेहरा देख के। ये देखिए ये बंकिम, इसके बारे में बताइए। चलो चलो जल्दी। हाँ तेजस्वी। बंकिम, अब भी तो बताया मैंने, तेजस्वी नाम कैसे हो सकता है उसका? मैंने बोला ना बंकिम नाम है। तेजस्वी चेहरा है, पूरा बोलने तो जीजी। हाँ हाँ एम, ठीक है ठीक है। हाँ फिर आगे। वृषभ राशि का होगा ये। अजो। और बहुत बड़ा उद्योगपति। तंबूरो, शाहिद कपूर का फोटो है वो। चेहरा देख के भविष्य बताते आप हैं क्यों? चेहरा देख के व्यक्ति कौन है ये तो बता नहीं सकते। देखिए वो, अरे क्या देखूं मैं, कब से देख रही हूँ आप क्या गोल 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 घुमा रहे वो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरी गायत्री शादीशुदा है ही नहीं जी? ये बिचारी कुंवारी है। वो अन्ना भाई और पूरा फैमिली सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, अगर भाई 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 भाई, अरे कितनी अच्छी, कितनी भविष्यवाणी बढ़िया बताते। तंबूरा एक बात भी सही नहीं बताई अभी तक आपने मुझे। चलिए मेरा चेहरा देख के बताइए तो, और अभी मुझे बताइए कि कल मैं कौन सी दाल भिगोने वाली हूँ। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर लाइए मेरे 3,000 रुपए वापस कर दीजिए। लाओ। हेलो, हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। क्षमा कीजिए, एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ बराबर। एक हुए एक हुए। मंदर तो सोया हुआ है, मैं नाटक क्यों कर रही हूँ? सुनिए। धीरे बोलो धीरे बोलो, ज्यादा आवाज हुई तो मेरे अंदर का गीतकार सो जाएगा। बराबर। वो मुझे थोड़ा काम था तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाके आऊँ अभी। अन्ना ने कहीं देख लिया तो घर से बेघर कर देंगे हमेशा के लिए, और वैसे भी तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? हाँ लेकिन अभी वो चली गई, वो आती जाती रहती है, अभी गई है थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा। जरूरत पड़ने पर। मुझे नींद नहीं आ रही है तो मेरी मदद करो ना, एक नया गीत लिख रहा हूँ। समंदर गीला होता है। वाह। क्योंकि होता है उसमें पानी। मटका गीला होता है क्योंकि होता है उसमें पानी, तो मटका समंदर एक हुए, कुत्ता छछुंदर एक हुए। वाह अगो भाई, लेकिन मटका तो फूट सकता है ना, उसकी जगह आप फ्रीज कर दीजिए। तुम जाओ। बराबर। अरे आ गई मुझ। हाँ मैंने कहा था ना आती जाती रहती है, अभी आ गई। हाँ। अभी गई। मैं शांत ही हूँ। वो दिख रहा है मुझे,
ये सब गायत्री की वजह से हुआ है। क्या है ना, वो पैर तो ठीक हो गया उसके इलाज से, लेकिन वो उसका डाइट बीट बिल्कुल अच्छा नहीं है, खाने पीने को देते नहीं है अच्छे से, इसलिए देखो अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है। बहाने मत बनाइए आप। आपको कोई भी तेल वाली चीज नहीं मिलेगी खाने को। अरे तेल वाली चीज खाने का तो मैं स्वतः विरुद्ध में हूँ, है कि नहीं बोलो। हाँ इसलिए क्या है ना, वड़ा है वड़ा, उसको कागज में दबा के तेल बिल निकल के फिर। बिल्कुल नहीं। अच्छा फल तो खा सकता हूँ ना? सिर्फ फल। हाँ, केला तो फल होता है, केले की वेपर खा लेता हूँ। चल क्या रहा है तुम दोनों का इतनी रात को? हाँ टाइगर जिंदा है, शिकार करने के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहा होगा। नहीं नहीं केशव भौजी, वो तो सो रहे हैं। एक मिनट, आपके पैर में तो मोच आई थी ना, फिर भी टहल रही है। तुम्हें क्या है, तुम सो जाओ, जाके जाओ 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 जाओ। कोई नहीं, अगर भाई हाँ हुआ है वहीनी, आप जाग क्यों रही है? ताकि तेरे साथ जाके अभिषेक को पूछ सकूं कि क्या वो सचमुच में गायत्री को पसंद करता है। हाँ लेकिन अभी तो वो सोया होगा ना। तो जगा देंगे, कल प्राजक्ता आने वाली है, कहीं अन्ना के डर से उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हाँ लेकिन अभिषेक के मन में गायत्री के लिए वैसी फीलिंग्स ना हुई तो? वही तो जाकर पूछना है हमें, अगर हुई तो हम सबको मिलजुल कर अन्ना को समझाना पड़ेगा। चल चल। वही बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कहीं पकड़े गए तो। लौकर लौकर चल। कौन है? मुंह क्यों बंद कर रही? अन्ना को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे चल, अरे इकड़े नहीं इकड़े। कौन है? कौन है? कौन है? कुर्सी के पीछे छुपा है क्या कोई? अरे कौन जाग रहा है? कौन जाग रहा है? 11 बजे? 11 बजे सोने का समय है कि नहीं बोलो। हाँ बोलो। हाँ क्या कर रही है आप? हाँ तो खुलने दे। नहीं नहीं तो ऐसा बोल देती हूँ, कोई नहीं है। ऐसा बोलेंगी तो पहचान ही नहीं जाएंगे बहनी। तू म्याऊ कर तू बिल्ली की आवाज में, तो बिल्ली को ढूंढने नहीं आ जाएंगे यहाँ। पर बिल्ली मिलेगी नहीं ना, लेकिन हम तो मिल जाएंगे ना। पर मैं भूल ही गई, मुझे कुत्ते की भी आवाज निकालनी आती है। मैं निकालू वो डर जाएंगे, फिर हम दोनों उधर जाएंगे और बोलेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आपके लिए अभी जरूरी क्या है? अभिषेक को जगाना, चक कुत्ते की आवाज निकालना। बरबर एकदम चुप बैठिए। अभी नहीं बोलता आजकल कोई, घर का तो कोई हो नहीं सकता, बाहर से कोई आया नहीं, बिल्ली होगी। वो उर्मिला बहन खिलाती रहती है ना थेपला नहीं बिपला,
बराबर केशव, केशव ने जरूर बता दिया होगा अन्ना भाई को। केशव जरूरी था क्या अन्ना भाई को बताना? केशव, केशव ने जरूर बता दिया होगा अन्ना भाई को। ओ, चलो अबे, ये टें 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 टू 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 9 बजे से चल रहा है आपका, बैटरी उतर गई होगी ना, लाओ मैं चार्ज कर देती हूँ। नहीं नहीं फिर आप कंटिन्यू करना ना। केशव, केशव ने जरूर बता दिया होगा अन्ना भाई को। केशव क्या जरूरत थी अन्ना भाई को बताने की? केशव, केशव ने जरूर, ऐसा कंटिन्यू करना। अरे अगर बता दिया होता केशव ने तो अन्ना भाई ऐसे सांड पे बैठ के यमराज बन के आ नहीं जाते यहाँ पर अभी तक। अरे उर्मिला बहन महेंद्र भाव, आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। गुजराती लोग, इसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र लेके बैठ जाते हो यमराज गोखले। अरे मैं यमराज बन के क्यों आऊंगा? ऐसी क्या बात है जो केशव मुझे बताता और मैं यमराज का रूप ले लेता?